बैंक को आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी इफ दिस हैपेंस। जी हाँ, सही सुना आपने। केस वन, अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं और आपके अकाउंट से पैसे डेबिट भी हो जाते हैं पर कैश नहीं निकलता है, तो ऐसे में ट्रांजैक्शन के 5 दिन बाद तक आपका पैसा वापस आ जाना चाहिए। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से बैंक को आपको 6th डे से हर दिन 100 रुपए के हिसाब से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा अंटिल यू गेट दी मनी बैक। केस टू, अगर यूपीआई करते वक्त आपके बैंक अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाता है पर बेनिफिशियरी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है, तो ट्रांजैक्शन के 1 दिन बाद तक आपका पैसा रिवर्स हो जाना चाहिए, नहीं तो एज पर आरबीआई द बैंक इज अकाउंटेबल टू पे यू 100 रुपीज पर डे बियॉन्ड T+1 डेज। इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।